तो वो जिसने क्रोध किया वो एकदम शर्मिंदा हो गया कि मैंने उतावली में इससे ऐसा बोल दिया और इसके बेचारे के पैर नहीं है, मुझे थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। क्या हुआ? समझ लेने से कषाय शांत हो गई और विवेक जागृत हो गया। कषाय का कारण ना समझी है, इतना अगर समझ लें आप बहुत बड़ी बात हो जाए। समझ लेने से कषाय शांत हो जाती है, विवेक जागृत होता है। कषाय का कारण ना समझी है, इतना समझ लो तो जीवन सुधर जाए। तो कारण कार्य व्यवस्था, तो उसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी ने फिर जानने योग्य वस्तुओं का वर्णन किया। 5 अस्तिकाय हैं, 6 द्रव्य है। इन सब की जानकारी देने के बाद फिर कहते हैं कि देखो अब सोच लो तुम कितने बड़े हो, समझ लो। सब कुछ जान लेने के बाद अपनी औकात अपने आप समझ में आ जाती कि मेरी क्या हस्ती है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है मेरियन एंडरसन का, पहले भी हमने बतलाया था एक बार, फिर भी आज याद कर लो। मेरियन एंडरसन एक बहुत बड़ी सिंगर हुई है, बहुत बड़ी गायिका, लेकिन जब भी उससे कोई इंटरव्यू में कोई प्रश्न पूछता था तो फिर वो मैं शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करती थी। तो उससे एक बार किसी इंटरव्यूअर ने ही पूछा कि आप मैं क्यों नहीं बोलते, हम लगाए रखा आपने, क्या बात है, आप हम क्यों बोलते हो, मैं क्यों नहीं बोलते। तब फिर उसने जवाब दिया कि मैं एक बहुत छोटी वस्तु हूं और मेरे अकेले से कुछ भी संभव नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहयोग अपेक्षित है किसी भी काम में, इसलिए मैं नहीं बोलती, मैं हम बोलती हूं। क्योंकि जो गीत मैं गा रही हूं तो उस गायन में गीतकार की भी मेहनत सम्मिलित है। बोले गीतकार ने लिखा है तभी तो मैं गा रही हूं, और मान लो मैं लिख करके गाऊं तो भी जो साथ में संगीत बजाने वाले हैं उनको तो अलग नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं अकेली कहां रही। वो मेरे साथ में जो एकम्पनिस्ट हैं वो भी संगीत बजा रहे हैं, और यदि उनको भी हटा दिया जाए स्टेज पर से, मैं खुद पियानो लेकर के बजाने लग जाऊं और गाने लग जाऊं तो भी मैं अकेली नहीं हूं। जिस कंपनी ने पियानो बनाया है उसमें बनाने वाले कारीगरों की मेहनत भी सम्मिलित है, और यदि मैं खुद पियानो बना लूं और फिर गाने लग जाऊं तो पियानो जिस लकड़ी से बना है उस वृक्ष का तो उसमें सहयोग है, और मैं जो गीत गा रही हूं तो उसमें मेरे स्वर यंत्र और यहां कंठ में लगे हुए जो तंतु हैं उनके परमाणु भी तो काम कर रहे हैं, फिर मैं अकेली राही कहां। तो इससे इन बातों से ये समझ में आता है कि मैं कितनी छोटी सी वस्तु है, लेकिन उस मैं के पीछे, उस जरा सी चीज के पीछे मानव कितने अनर्थ कर बैठता है, कितनी कषाय करता है, कितनी आकुलता करता है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि जानने योग्य जो वस्तु है उसको जान लेने से शांति मिलती है, पता चलता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये जिसको पता हो वो ज्यादा आकुलता नहीं कर सकता। शब्दों में पता होना कोई बड़ी बात नहीं है, शब्दों में तो आप कंप्यूटर में फीड कर दो और फिर वहां पर कोई क्वेश्चन डाल दो तो फिर वहां से पूरा एक पन्ना निकल आएगा प्रिंटर पे कि चलो ये है मैं का जवाब, लेकिन वो शब्दों का ढेर है, उसको ज्ञान नहीं कहते।
शब्द अलग वस्तु है, ज्ञान अलग वस्तु है। पंचास्तिकाएं में तीन भेद किए संसार में, वस्तुओं के तीन भेद किए, एक शब्द ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म, तीन भेद कर दिए। शब्द भी है, अर्थ भी है और ज्ञान भी है। अब इन तीनों में अगर अपने ज्ञान में सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तो फिर आकुलता शांत हो जाए। जब उसने उस लंगड़े आदमी को देखा काउंटर पर बैठे हुए, उसको लगा कि देखो मैंने जो तीखे शब्द बोल दिए, बड़े सुस्त हो, काउंटर पर बैठे हो और ग्राहक की बात भी जल्दी से नहीं सुनते, मैंने उसकी मजबूरी को नहीं समझा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। अब जब मैं देख रहा हूँ कि उसकी मजबूरी ऐसी है तो मुझे उसके प्रति सहानुभूति हो रही है। कभी भी किसी भी विवाद में, दुनिया के किसी भी झगड़े में, अगर आप दोनों के मन को समझ लो तो झगड़ा नियम से शांत हो जाएगा। झगड़ा चल ही नहीं सकता, झगड़ा तभी चलता है जब ये अपने को सही और सामने वाले को गलत, और वो इसको गलत और खुद को सही समझता है। समझ में आ रहा है आपको? सर्वनाम का ज्यादा प्रयोग कर दिया हमने। विवाद तब तक चलता है जब आप एक दूसरे को नहीं समझते। जब दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं तो फिर वो चीज शांत हो जाती है। और फिर हमने एक बार अमरावती में कहा था कि आप जिससे वैर करने जा रहे हैं, जिससे झगड़ा करने जा रहे हैं, यदि आप जैन हैं तो फिर आप विचार करो सुबह उठकर के आपने क्या बोला था, क्या बोला था बोलो, सबसे पहला कौन सा मुख से क्या निकला था, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो हमारा प्रश्न है कि जिसके प्रति आपको कषाय जागृत हुई है, जिसके बारे में आप अनिष्ट सोच रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो भव्य है कि अभव्य? मना पर्याय ज्ञानी भी नहीं जान सकते, सिर्फ केवली भगवान जानते हैं। यदि भव्य निकला तो क्या करोगे? यदि भव्य निकला सामने वाला तो अपने नमस्कार, आपने जिसको नमस्कार किया है उसके प्रति कषाय होगी कि नहीं? क्योंकि भव्य जीव ही अरहंत सिद्ध बनते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना था कि भावी सिद्धों से, भावी अरहंतों से कषाय क्यों? किसी के प्रति कषाय नहीं रखना चाहिए। अगर आप रग रग से जैन हैं तो कसाई को देख करके भी कषाय नहीं करना। ये विचार करना कि आज ये मिथ्यात्व और कषायों के उदय से भटका हुआ है, जीव दया से रहित है और ये अपना अनिष्ट कर रहा है और दूसरे प्राणियों को भी निमित्त रूप से पीड़ा पहुंचा रहा है, ये कभी मत सोचना कि दुनिया के सारे कसाई अगर किसी भूकंप में धरती फट जाए और समा जाए तो मजा आ जाए, ये मत सोचना। क्योंकि घटना का उपचार करने से घटनाएं नहीं थमती, उसके कारण का इलाज कर देने से कार्य अपने आप शांत हो जाता है। तो ये कारण कार्य व्यवस्था बड़ी अद्भुत है जैन दर्शन की। क्या होता है कि कषाय जैन दर्शन को अंगीकार करने के बाद भी कषाय क्यों आती है? क्योंकि अपन एक तरफा दृष्टिकोण बना लेते हैं और कषाय करने में जो रस लेने की आदत पड़ी है अनादि की, फिर उसमें मजा आता है अपने को। दुखी होना भी कषाय है और खुश होना भी कषाय है, दोनों दुर्ध्यान है। कैसे दुर्ध्यान है? दुखी होना आर्त ध्यान है और खुश होना रौद्र ध्यान। बिल्कुल सीधा हिसाब है। रौद्र ध्यान के नाम बताइए कौन से? चार रौद्र ध्यान कौन से होते हैं? हिंसा आनंद, देखो लगाया आनंद। आनंद का मतलब क्या है?
फिर दूसरा मृषानंद, तीसरा चौरियानंद, चौथा आनंद ही आनंद रौद्र ध्यान में। और आर्द्र ध्यान में क्या है? पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख है। इष्ट वियोग होता है तो कोई सुखी तो नहीं होता, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में कोई किसी को सुख होता है? फिर शरीर में कोई वेदना हो तो दुखी होता है, और भविष्य में मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा सोचते समय सुख होता है कि दुख? दुख होता है ना, नहीं है तभी तो सोच रहे हैं। तो भावी सुखों की इच्छा भी दुख है। इस प्रकार संसार के जितने सुख दुख हैं वो सब आर्त और रौद्र ध्यान रूप है। तो और इसी का नाम भोग है। और ज्ञानी जीव भोग नहीं करता, ये जो समय सार में उल्लेख है बहुत अद्भुत रहस्यपूर्ण बात है। इसी का नाम तो साधना है, और साधक ही ये काम कर सकता है, सब नहीं कर सकते। आई जाता है भोग का भाव। हमने कल कहा था ना कि भोजन करते समय कितना भी कंट्रोल करो, कहीं ना कहीं से पता नहीं कहां से थोड़ा बहुत राग आ ही जाता है। या वो नमकीन के प्रति भी हो जाए या फिर मीठे के प्रति हो जाए, कहीं ना कहीं से कहां से आता है पता नहीं, आता है कहीं से वो राग उत्पन्न हो जाता है। राग आ गया तो आप भोगी बन गए। तो विरागता को बचाए रखना ही योगी, योगी का कार्य है। चाहे दुख हो या सुख हो, भोगना नहीं है, चलो फैसला कर लो, बिल्कुल ठान लो नहीं भोगेंगे हम, सुख और दुख दोनों को नहीं भोगेंगे, बस इसी का नाम है योग, समत्व योग। और विषमत्व भोग है, समता योग है, विषमता भोग है। विषमता का अर्थ क्या है? राग और द्वेष। तो ये बीच में आध्यात्मिक व्याख्यान आ गया थोड़ा सा, अपन पढ़ रहे थे कुछ दूसरी बात, वैसे बात तो वही चल रही थी। उपकार शब्द को लेकर के ये पूरा वर्णन हो गया। अजीव जीव का उपकारी है, इसलिए उसको जीव के बाद स्थान दिया गया है सूत्र में, ये कथन किया ना आचार्य पूछपाद स्वामी ने। अब अजीव जीव का उपकारी कैसे है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ये कारण कार्य व्यवस्था का थोड़ी, इसकी थोड़ी सी चर्चा अपन ने कर ली। अब इसके आगे तद उभय विषयत्वात् तदनंतरम आश्रव ग्रहणम, जीव और अजीव इन दोनों से संबंध रखता है जो, ऐसा आश्रव तत्व है, इसलिए इन दोनों के पश्चात आश्रव का ग्रहण किया गया है सूत्र में। तत्पूर्वकत्वात् तदनंतरम बंधाभिधानम, पूर्वक का अर्थ होता है कारण, पूर्वक का अर्थ पहले नहीं होता, इस बात को समझना। ये क्या है कि व्याकरण पढ़ने से ये चीजें समझ में आती, श्रुतम मति पूर्वम, इसका क्या अर्थ हुआ? श्रुति ज्ञान के पहले मति ज्ञान होता है, ये अर्थ है, होता होगा पहले, लेकिन पूर्व शब्द का अर्थ यहां पर पहले नहीं है, कारण है। मति पूर्वम का अर्थ हुआ मति है कारण जिसका, ऐसा श्रुतम श्रुति ज्ञान है। उसी प्रकार यहां पर क्या कह रहा है, तत्पूर्वकत्वात् तदनंतरम बंधाभिधानम, आश्रव के कारण ये चौथा तत्व है बंध, इसलिए बंध का उल्लेख आश्रव के पश्चात किया गया है। समझ में आ रहा है ना आपको? संवृतस्य बंधा भावात् तत्प्रत्यनीक प्रतिपत्त्यर्थम तदनंतरम संवर वचनम, और जो संवृत होता है संवर को प्राप्त हो जाता है उस जीव के, क्या होता है? बंधा भावात्,
नवीन बंध का अभाव हो जाता है। जिसने संवर कर लिया, अपनी आत्मा को कर्मों से बचा लिया, उसको नवीन कर्मों का बंध नहीं हो सकता। इसलिए तत्प्रत्यनीक प्रतिपत्त्यर्थम, उस बंध के विपरीत जो तत्व है संवर, उसका प्रतिपत्त्यर्थम ज्ञान कराने के लिए, उसकी प्रतिपत्ति कराने के लिए तदनंतरम बंध के पश्चात संवर वचनम, संवर ये वचन है। आ गया ना समझ में? जीव के बाद अजीव क्यों है? क्योंकि अजीव जीव का उपकारी है। अजीव के बाद आश्रव क्यों है? क्योंकि जीव और अजीव, इन दोनों से आश्रव का संबंध है। यानी अजीव को जीव में प्रवेश देने वाला आश्रव है। आश्रव के बाद बंध का वर्ण कथन क्यों है? क्योंकि आश्रव बंध का कारण है। आश्रवो बंध हेतु स्यात्। और बंधाधिकार के पहले सूत्र में भी पांच आश्रव दिए। बंधाधिकार कौन सा? आठवां। उसका पहला सूत्र बंध मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव बंधाहनि का। क्या कहा? बंध हेतव, बंध के हेतु है। और बंध का हेतु कौन है? आचार्य स्वयं कह रहे हैं तत्पूर्वकम, उसका कारण आश्रव है। संवरे सति, अब संवर होने पर, ये बड़े महत्व की बात है। मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है इसलिए ऐसा कथन कर रहे हैं, वरना अगर बंध मार्ग की बात करो तो बिना संवर के भी वो सविपाक निर्जरा चालू ही रहती है। सभी के चल रही, अनादि से चल रही, अभी भी चालू। लेकिन मोक्ष मार्गी बन जाए तो संवर पूर्वक निर्जरा होगी। तो संवरे सति, संवर होने पर निर्जरोपपत्ति ही, निर्जरा की उपपत्ति, उपपत्ति का अर्थ होता है संगति। होने से तदंतिकम, तदंतिके निर्जरा वचनम, उसके निकट, अंतिक यानी निकट, उसके समीप संवर के बाद निर्जरा वचन है, निर्जरा का कथन है। अंते प्राप्यत्वान मोक्षस्य अंते वचनम, और अंत में प्राप्त करने योग्य होने के कारण अंत में क्या प्राप्त होगा? मोक्ष। इसलिए अंत में मोक्ष का कथन है। इस प्रकार ये सात तत्वों का क्रम आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो रखा है, उसका कारण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसमें सर्वार्थ सिद्धि टीका में स्पष्ट कर दिया, खुलासा दे दिया उसका। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इसका क्रम अलग रखा है। वैसे दस धर्मों में भी जो क्रम है इसमें तत्वार्थ में उमा स्वामी आचार्य द्वारा प्रदत्त, वो अलग है, और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो क्रम रखा है वो अलग है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जीवा जीवा या पुण्य पावंच, जीव अजीव पुण्य पाप, फिर आसव संवर, आश्रव, और फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर बंध, फिर मोक्ष, ऐसा क्रम रखा। आप उलझ गए, याद कैसे रखोगे? जीव अजीव ये तो व्यवस्थित ज्यो के त्यों है, फिर उसके बाद पुण्य और पाप रखे, उसके बाद आश्रव बंध न रख करके आश्रव संवर रखे, फिर संवर के बाद निर्जरा रख के फिर बंध और मोक्ष, ऐसा क्रम रखा है। और इसी प्रकार दस धर्मों का क्रम जो है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो दिया है उसमें ये क्रम दिया है, जो आपके मंदिर जी के गर्भगृह के द्वार पर जो तोरण है ये क्रम है। बारस अणुवेक्खा नाम का ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद स्वामी लिखा है, तुरीय धम्मम हवे सच्चम, वहां चतुर्थ धर्म सत्य धर्म को लिया है। देख लो आप इसमें है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दो, उत्तवार्जो, उत्तम सत्य, बिल्कुल ठीक है। और फिर इसमें तत्वार्थ ग्रंथ में उत्तम क्षमा मार्दवार्जो शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म, इसमें ये क्रम लिया है। तो इस क्रम को लेकर के झगड़ा नहीं करना, आत्मा में इनका क्रम नहीं होता। आत्मा में ये पूरे दस जो लक्षण है धर्म के वो सभी रहते हैं,
उसमें झगड़ा नहीं कि मैं पहला और तू बाद में, ऐसा नहीं। क्या करना है झगड़ा करना? ये 10 धर्म तो कषाय छुड़ाने के लिए है। अब इसके क्रम को ही लेकर कषाय करो तो क्या फायदा? कषाय छुड़ाने की चीजें हैं। अब इसके आगे फिर और भी कुछ विस्तार करेंगे तो उसको अपन दोपहर में देखेंगे। यह पुण्य पाप ग्रहणम कर्तव्यम, इस सूत्र में 7 तत्व दिए हैं। पृष्ठ नंबर 15 है, पहला अध्याय सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, 4th सूत्र पर जो वृत्ति है। इस पुरानी प्रति में पृष्ठ नंबर 15 है, नवीन प्रति में 11वां पृष्ठ। यह पुण्य पाप ग्रहण कर्तव्य, इस सूत्र में पुण्य और पाप का ग्रहण करना चाहिए था। नव पदार्थ अन्यरप्युक्तत्वात्, क्योंकि अन्य आचार्यों के द्वारा कहा गया है कि पदार्थ नव है और इसमें 7 तत्व दे दिए आपने, 9 देना चाहिए था पुण्य और पाप मिला करके। न कर्तव्य, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि नहीं करना है। आश्रव बंदे चांतर भावत, क्योंकि आश्रव और बंध इन दो में पुण्य और पाप अंतर्भूत हो जाते हैं, यानी शामिल हो जाते, सम्मिलित हो जाते हैं। पुण्य और पाप किसके भेद है? आश्रव और बंध के। पुण्याश्रव पुण्यबंध, पापाश्रव पापबंध। यद्येवम्, अब वो शंकाकार देखिए और आगे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिप्रश्न कर रहा है। यदि ऐसा मानते हैं तो आश्रवादिक ग्रहणम अनर्थकम, बोले कि फिर तो आश्रवादिक को ग्रहण करना भी बेकार है। यदि पुण्य और पाप आश्रव बंध में आ जाते हैं तो फिर आश्रव को क्यों ग्रहण कर रहे हो? जीवा जीवयोर और अंतर्भावात, क्योंकि जीव और अजीव में सब शामिल है। जीव और अजीव में आश्रव बंध सब सम्मिलित हो जाएंगे। आचार्य कहते हैं न अनर्थकम, अनर्थक नहीं माने व्यर्थ नहीं है। यह मोक्ष प्रकृत है, यह मोक्ष का प्रकरण है। सो वश्यन निर्देशव्य, इसलिए उसका अवश्य ही निर्देश करना चाहिए। मतलब मोक्ष का कथन तो करना आवश्यक हो गया मोक्ष का प्रकरण होने के कारण। और मोक्षस्तु निर्देश सच संसार पूर्वक, और मोक्ष जो है संसार पूर्वक होता है। मोक्ष जो होता है वो मोक्ष संसार होगा तभी मोक्ष होगा ना, वैसे मोक्ष तो हो नहीं सकता। और संसार से प्रधान हेतु आश्रव बंधश्च, और संसार का मुख्य कारण आश्रव और बंध है। आगे समझ, मोक्ष से प्रधान हेतु संवर और निर्जरा च, और मोक्ष का मुख्य कारण संवर और निर्जरा है। अतः इसलिए प्रधान हेतु हेतु मत, प्रधान हेतु और हेतु मत यानी हेतु वाला, फल निदर्शनार्थम, फल का निदर्शन कराने के लिए, फल निदर्शनार्थत्वात कराने वाला होने से पृथक उपदेश कृत, इसलिए इन सबका अलग अलग उपदेश किया गया है। वरना जीव और अजीव में सब कुछ आ जाता था, लेकिन चूंकि प्रकरण मोक्ष का है, शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोक्ष मार्ग, तो इसलिए 7 तत्वों का विस्तार करके अलग से बदला दिया। दृश्यते ही, और ऐसा देखा भी जाता है, सामान्यंतर भूतस्यापि, सामान्य में सम्मिलित होते हुए भी विशेषस्य पृथक उपादानम प्रयोजनार्थम, विशेष कोई बात हो तो उसका पृथक ग्रहण किया जाता है प्रयोजनार्थम, अपने किसी प्रयोजनवश किसी उद्देश्य से उसको अलग से बतलाना पड़ता है। जैसे दृष्टांत दिया, क्षत्रिय आगता आयाता सूरवर्मा भी इति, जैसे क्षत्रिय लोग आ गए, बोले सूरवर्मा भी आ गया, तो सूरवर्मा कोई स्पेशल व्यक्ति है, इसलिए क्षत्रिय आ गए। यद्यपि क्षत्रिय आ गए तो उसमें सूरवर्मा भी शामिल था, लेकिन सूरवर्मा का नाम अलग से क्यों ले लिया? क्योंकि उसकी मुख्यता थी। बहुत सारे मंत्री आए हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आए, तो अभी 15 तारीख को जैसे होने वाला है कुछ कार्यक्रम, तो इसलिए फिर नाम अलग से ले लेने से ना फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ये है। तत्व शब्द भाववाची इत्युक्त, तत्व शब्द जो है वो भाववाची, ऐसा कह दिया था
स कथन जीवादिभिर् द्रव्य वचन ही समानाधिकरण्यम प्रतिपद्यते। फिर वह जीव आदि जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, वो जीव आदि भी द्रव्य वचन ही, जीव आदि जो द्रव्य को बतलाने वाले वचन हैं, उनके साथ समानाधिकरण्यम प्रतिपद्यते। समानाधिकरण्य का अर्थ होता विशेषण विशेष्य भाव, उसको कैसे प्राप्त हो जाता है, कैसे प्राप्त करता है। तो आचार्य कहते हैं कि अव्यतिरेकात तत् भावाध्यारोपाच, पदार्थ और ये विशेषण विशेष्य भाव ये पृथक पृथक नहीं है। जैसे सफेद वस्त्र, अब सफेद कोई अलग वस्तु नहीं है और जो वस्त्र से भिन्न हो, जब सफेद वस्त्र विशेषण दिया ना वस्त्र के लिए, तो विशेषण और विशेष एक ही अधिकरण को लेकर है, समान अधिकरण है उसका, इसलिए विशेषण विशेष्य भाव अव्यतिरेक अपृथक होने के कारण, और तद भावाध्यारोपाच और उस पदार्थ के भाव का अध्यारोप होने के कारण भी समान अधिकरण्य भवति, वो विशेष विशेषण भाव बन जाते हैं। यथा जैसे उपयोग एव आत्मा, उपयोग ही आत्मा है, यानी जानना देखना ही आत्मा है। अब ये इसी अपेक्षा से कथन है यद्देवम। अब फिर प्रश्न देखिए दूसरा व्याकरण संबंधी, यदि ऐसी बात है तो तत् तल्लिंग संख्यानुवृत्ति प्राप्नोति, तब फिर उसको उसी लिंग और उसी संख्या में अनुवर्तन करना चाहिए, यानी लिंग और संख्या की अनुवृत्ति भी उसको प्राप्त होनी चाहिए। तत्त्वम एक वचन है और मोक्षाः बहुवचन है, जीवा जीवा आश्रवन संवर निर्जरा मोक्षाः, वो सब बन गया विसर्ग का। तो फिर यहाँ शंकाकार कह रहे हैं कि लिंग भी देखो, तत्त्वम नपुंसक लिंग है और मोक्षाः ये पुल्लिंग हो गया, तो लिंग और वचन भी एक होना चाहिए। अगर वो बहुवचन है तो इनको भी, इसको भी बहुवचन होना चाहिए था, और वो एक वचन है तो फिर वो, ये एक वचन है तो उसको भी एक वचन होना चाहिए, ये शंका है। तो फिर इसमें कहते हैं विशेषण विशेष्य संबंधे सत्यपि, विशेषण और विशेष्य संबंध तो है, तो भी होने पर भी शब्द शक्ति व्यपेक्षया, शब्द की शक्ति की विशिष्ट अपेक्षा